एवरी नेचुरल नंबर एन, देखो एफ हमारा वैसे तो कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन इन्होंने एक एफ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन एफ एन जो है इज द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। बेसिकली अगर हम मैं इस चीज को देखूं तो लेट इफ पी इज सॉरी एन इज, ऐसे मान लेते हैं इफ एन इज सम प्राइम, एन कंसिस्ट ऑफ सम प्राइम पी वन रेस पावर कुछ भी आर वन है, पी टू रेस टू द पावर आर टू है, पी थ्री रेस टू द पावर आर थ्री है, ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, वे मान लो कि पी वन इज लेस देन पी टू इज लेस देन पी थ्री डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देन हम कह सकते हैं कि जो एफ एन आएगा, आई मीन फॉर ऐसे कह सकते हैं फॉर एक्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू दिस, देन एफ एक्स जो आएगा हमारा वो आ जाएगा सीधा सीधा पी वन। तो स्मॉलेस्ट प्राइम जो है जो इन्वॉल्व है वो हो जाएगा। इसका मतलब है लाइक हम कह सकते हैं एफ ऑफ एनी इवन नंबर इज इक्वल टू टू। ठीक है, एफ ऑफ एनी ऑड नंबर कंसिस्टिंग थ्री, एफ ऑफ थ्री, तो अगर थ्री कंसिस्ट किए हुए, अगर थ्री नहीं है मान लो सेवन से स्टार्ट सेवन हो जाए इस तरह से। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसमें हम हमें क्या निकालना है कि लिमिट एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। सो पार्ट ए पे जाते हैं, लिमिट एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा लिमिट, है ना। ये क्यों नहीं करेगा मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि इन्फाइनाइटली लार्ज इवन नंबर की बात करो, सपोज लेट एक्स बी सब इन्फाइनाइटली सिम्पली लार्ज इवन नंबर। मैं क्या करता हूँ, फॉर एक्स इक्वल टू वेरी वेरी लार्ज, ठीक है, इवन नंबर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमारा जो लिमिट आएगा वो आ जाएगा टू। क्यों, और फॉर देखो लिमिट यूज करना है तो हर जगह करना है, और अगर आपने ऑड नंबर ले लिया टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो लिमिट जो है वो जो भी पहला उसमें प्राइम स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम होगा वो हो जाएगा। सो वो जो है आपका डेफिनेटली टू नहीं है, वो कोई ऑड नंबर है, इज नॉट इक्वल टू टू, इज सम ऑड नंबर, ऑड नंबर आएगा कुछ जो कि टू के इक्वल नहीं है। तो लिमिट जो है कोई प्राइम होगा, प्राइम नंबर होगा जो टू के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो लिमिट है हम कहेंगे कि सो लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड टू इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। इवन इनफैक्ट फॉर नॉन इंटीग्रल नंबर्स, नॉन नेचुरल नंबर्स, एक्स एक्स टू बी नॉ सम अदर नंबर, आई मीन सम नॉन इंटीग्रल रैशनल और इरेशनल नंबर, इसका जो है ट्रैक डिसाइडेड नहीं है, फिक्स नहीं है, तो वहां पे भी कोई सर्टेनिटी कोई चीज की आ नहीं रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करना होता तो हर जगह से यूनिक टेंडेंसी होती। ये आंसर है फर्स्ट पार्ट। कमिंग टू द पार्ट बी, मैं पार्ट बी की बात करूंगा, तो पार्ट बी में हम ये देख सकते हैं कि जो एफ एक्स है हमारा वो फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ टू द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल 2016। ऑलराइट, इसके इनफैक्ट देखे जाए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। सी फॉर मैं कहता हूं कि एफ ऑफ टू के लेता हूं मैं, टू के कोई इवन नंबर, ठीक है, ये कोई इवन नंबर है, इसकी वैल्यू टू होगी पक्का, एंड अगर मैं आई मीन फॉर एवरी के ये ट्रू है ना, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन, एंड अगर मैं लेता हूं एफ ऑफ पी आई
तो ये सम प्राइम है, दिस इज सम प्राइम, कोई प्राइम ले लेते हैं, सम प्राइम ग्रेटर देन 2016, तो ये पी आई आएगा। और सिंगल 2016 से बड़े इनफाइनाइट प्राइम्स हो सकते हैं, दे कैन बी, दे आर इनफाइनाइट प्राइम्स मोर देन 2016। तो अगर आप उनको लोगे 2016 आ रहा है, और ये जो टू आ रहा है ये टू आ रहा है 2016 से छोटा, क्यों? ये आ रहा है टू लेस देन 2016, ठीक है, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन, और एफ पी आई आ रहा है सम प्राइम, पी आई सम प्राइम ग्रेटर देन 2016। तो क्या होगा, एज फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि सो फॉर एवरी के कॉमा आई द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स विल क्रॉस, आई मीन मैं ये कहना चाह रहा हूं एज एफ इज कंटिन्यूस विल क्रॉस द लाइन वाई इज इक्वल टू 2016, ठीक है, बिकॉज इसमें कोई भी आप नंबर लेते हैं, इवन नंबर, जैसे 2016 के बाद भी देखें और पहले भी देखें, ग्राफ कई बार क्रॉस करेगा, और 2016 के बाद तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इवन नंबर्स, इवन नंबर की संख्या क्या है, इनफाइनाइट है, और प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2016 भी इनफाइनाइट है। तो आप देखेंगे कि ये ग्राफ एक बार टू पे आ रहा है, एक बार मोर देन 2016 पे आ रहा है, लेस देन 2000 पर, एंड एज एफ इज कंटिन्यूस इट विल क्रॉस द ग्राफ अगेन एंड अगेन इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, ठीक है, बिकॉज द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के कॉमा आई जो यहाँ ले